वो भी सीआईडी के ऑफिसर आकर उस कंप्लेंट को दर्ज करते हैं। तो इतना होने तक क्या गुलबर्गा पुलिस सो रही थी, क्या नींद में थे आप लोग? रात दिन जगकर जो इस एग्जाम को पास करना उनका एक सपना होता है, पूरी फैमिली उनके पीछे लगी हुई होती है, ये लोग ऐसे चीटिंग कर कर पास होते हैं। जितने भी बीजेपी के लीडर्स हैं, जितने भी करप्ट लीडर्स हैं, आए दिन आप देख रहे हैं। 9 तारीख को इस केस में एफआईआर होती है। अब तक क्या आप लोग सो गए थे? मैं तमाम पूरे एडमिनिस्ट्रेशन से डिमांड करता हूं कि जल्द से जल्द दिव्या हगर्दी का पता लगाकर उसको अरेस्ट कर उसे जेल में भेजना होगा। जो गुलबर्गा जो बड़ी शान से एजुकेशन में नाम लिया जाता था, उसको कहीं ना कहीं डुबाने का काम किया है। दिन है दिन यही रिश्वतखोरी, यही लूटम लाटी ये लोग कर रहे हैं। आज जो गुलबर्गे में पीएसआई रिक्वायरमेंट का जो स्कैम चल रहा है, जो कि जैना ज्योति इंग्लिश मीडियम स्कूल गोकुल नगर में है, उस स्कूल की ओनर दिव्या हागरगी जो बीजेपी की लीडर जिसका यह स्कूल है, वो स्कूल में स्कैम होता है। ये स्कैम इस तरीके से होता है, इसके जो आरोपी है वीरेश 153 मार्क्स लेते हैं और जो उनकी आंसर शीट है उसमें जो टिक करने के जो क्वेश्चन होते हैं 100, उसमें से सिर्फ वो 20 जगह टिक करते हैं, यानी कि 20 आंसर का वो जवाब देते हैं। वो 20 करेक्ट है या नहीं वो तो अलग बात है, पर सिर्फ 20 जवाब देने के इसमें उनको 153 मार्क्स लेते हैं। मैं सवाल करता हूं एडमिनिस्ट्रेशन से, जो कि चौक पुलिस स्टेशन में 9 तारीख को इस केस में एफआईआर होती है, अब तक क्या आप लोग सो गए थे? सीआईडी आने के बाद में इसकी इन्वेस्टिगेशन होती है और दिव्या हागरगी गुलबर्गा से फरार होती है। क्या पुलिस डिपार्टमेंट दिव्या हागरगी को फरार होने का इंतजार कर रहा था? क्या एडमिनिस्ट्रेशन जिस तरीके से विजय माल्या इंडिया को लूट कर चला गया, उसको जिस तरीके से बीजेपी के लीडर्स ने फरार किया, उसी तरीके से क्या आप लोग दिव्या हागरगी को भी फरार होने का वेट कर रहे थे? ये मैं सवाल पूछता हूं। गुलबर्गा शहर जो एजुकेशन हब माना जाता है, जो गुलबर्गे में तमाम इंडिया के कोने कोने से स्टूडेंट गुलबर्गा में पढ़ने के लिए आते हैं, वो इसलिए आते हैं क्योंकि गुलबर्गा की पढ़ाई बहुत अच्छी है। गुलबर्गे का नाम पूरा खराब किया है ये दिव्या हागरगी ने, पूरे गुलबर्गे का नाम खराब किया है। हमारे जो गुलबर्गा जो बड़ी शान से एजुकेशन में नाम लिया जाता था, उसको कहीं ना कहीं डुबाने का काम किया है। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से डिमांड करता हूं कि सबसे पहले ये जैन ज्योति जो इसका स्कूल है, इस स्कूल में जो एग्जाम होते हैं, उन एग्जाम होने को इस स्कूल में बंद करना होगा। जितने भी बीजेपी के लीडर्स हैं, जितने भी करप्ट लीडर्स हैं, आए दिन आप देख रहे हैं, पिछले दिन भी हमने देखा 40% की डिमांड की इसी बीजेपी के लीडर ईश्वरप्पा ने, एक गुत्तेदार ने सुसाइड कर लिया। आप देखते हैं कर्नाटका के अंदर हर दिन आए दिन यही रिश्वतखोरी, यही लूटम लाटी ये लोग कर रहे हैं। मैं उन नौजवानों को हौसला अफजाई कर देता हूं जो लोग रात दिन पढ़कर, जो रात दिन जगकर जो इस एग्जाम को पास करना उनका एक सपना होता है, पूरी फैमिली उनके पीछे लगी हुई होती है, ये लोग ऐसे चीटिंग कर कर पास होते हैं। और जो कैपेबल जो लोग होते हैं वो लोग कहीं ना कहीं पीछे हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं। वो लोग आप हार मत मानिए, आप फिर से ट्राई कीजिए। हम कोशिश करेंगे कि जितने भी आने वाले एग्जाम्स होंगे वो इस तरीके की धांधली ना हो, और ऐसे लोगों के स्कूल में अगर हम ऐसे एग्जाम होना बंद कर देंगे तो मैं समझता हूं कि इस तरीके की धांधली कहीं ना कहीं बंद होती है। 200 मार्क्स में से 153 लेने वाला, जो कि उसको कुछ भी पढ़ना लिखना नहीं आता, वो 20 टिक किया है सिर्फ आंसर शीट में, फिर भी उसको 153 मार्क्स मिलते हैं। और 9 तारीख को जो चौक पुलिस स्टेशन में जो कंप्लेंट दर्ज होती है, वो भी सीआईडी के ऑफिसर आकर उस कंप्लेंट को दर्ज करते हैं। तो इतना होने तक क्या गुलबर्गा पुलिस सो रही थी? क्या नींद में थे आप लोग? मैं तमाम पूरे एडमिनिस्ट्रेशन से डिमांड करता हूं कि जल्द से जल्द दिव्या हागरगी का पता लगाकर उसको अरेस्ट कर उसे जेल में भेजना होगा। और भी जितने लीडर इसके स्कैम के पीछे हैं, जो लोग भी इस स्कैम के पीछे, उन सभी लोगों को जेल के सलाखों के पीछे डालना होगा, क्योंकि ये लोग आए दिन गुलबर्गा शहर का माहौल खराब करते हुए नजर आए हैं, हेट स्पीचेस करते आए हैं। गुलबर्गा शहर में जो गंगा जमुना तहजीब है उसको खराब करने का काम करते हैं, फिर भी हमारे गुलबर्गे के नौजवान रामनवमी के दिन रोड पर आकर रोजा रहकर ठंडा पानी जूस ये लोगों को पिलाने का काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं हम कोशिश कर रहे हैं कि गुलबर्गा शहर में गंगा जमुना तहजीब जिंदा रहे। मैं फिर
बार एडमिनिस्ट्रेटर डिमांड करता हूं कि जल्द से जल्द दिव्या आगरकी को अरेस्ट कर आप लोगों को जेल में डालना होगा। जिस संविधान के ऊपर आप लोगों ने शपथ लिए हैं उसको पूरा करने का वक्त आया है, आप लोग उसे पूरा कर दिखाइए।